हेलो बच्चों कैसे हो आप और आपने अपना काम करा घर जाके कैसा लगा आपको टॉपिक आसान था कि मुश्किल था मुझे तो लगता है आसान था आपको क्या लगता है मुझे लगता है आपको भी आसान लगा होगा हमने अब हम एक बारी फटाफट से पिछला देखेंगे हमने क्या क्या किया था हमने कौन कौन से नियम किए थे बच्चों हमने पहला नियम किया था कौन सा नियम किया था घटांक और घात घतांक के नियम कि अगर हमारी हमारे आधार बराबर हो तो हम घातों को जमा कर देते हैं दूसरा नियम अगर घतांक अगर घतांकों के आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो और ये भाग में हो तो घातों को घटा देते हैं तीसरा नियम अगर घाते बराबर हों तो आधार को गुना कर देते हैं चौथा नियम चौथा नियम हमने क्या किया था अगर ए की घात ऋणात्मक हो तो हम इसे धनात्मक बना सकते हैं इसे उल्टा करके ये क्या था हमने सब बच्चों ने इसके क्वेश्चन किए थे घर जाकर एक हमने किया था अगर किसी भी आधार की घात जीरो हो तो वो एक होता है ठीक है अब हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे एक प्रश्न करेंगे जो इस प्रकार है सरल करो सरल करो सरल करो पच्चीस गुना टी की माइनस चार बटा पाँच की माइनस तीन गुना दस गुना टी की माइनस आठ सबसे पहला हम काम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपनी खातों को ऋणात्मक से धनात्मक बदल लेंगे सारे बच्चे अपनी कॉपी पे फटाफट बदलेंगे फटाफट कौन कौन सी घातों को हम बदलेंगे टी की माइनस चार को पाँच की माइनस तीन को टी की माइनस आठ को सब बच्चे बदलिए इसे ऊपर नीचे ही करना है बस फटाफट करिए सारे बच्चे फटाफट करेंगे देखते हैं कौन फटाफट करता है हाथ खड़ा करो जिसने फटाफट कर लिया खड़ा करो हाथ वेरी गुड बॉय बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सबने कर लिया टी की चार टी की आठ ऊपर आ जाएगा पांच की तीन ऊपर आ जाएगा टी की चार नीचे आ जाएगा ठीक है बच्चों अब हम क्या करते हैं पच्चीस को हम क्या लिख सकते हैं पच्चीस को क्या लिख सकते हैं पांच गुना पांच पांच गुना पांच क्या होता है पच्चीस हम पच्चीस को कैसे लिख सकते हैं पच्चीस को कैसे लिख सकते हैं पांच गुना पांच पांच गुना पांच पच्चीस होता है ना मेरे बच्चों है ना पच्चीस इसका मतलब हो गया पांच की दो गुना टी की आठ गुना पांच की तीन बटार टी की चार गुना दस ठीक है बच्चों अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो है और ये है इसमें हमारे आधार आधार क्या है इसमें इसमें आधार क्या है पांच इसमें आधार क्या, क्या है पांच इसका मतलब क्या हुआ दोनों के आधार बराबर हैं अगर दोनों के आधार बराबर हैं तो क्या करते हैं हम फटाफट कौन बताएगा मुझे क्या करते हैं अगर हमारे आधार बराबर हैं तो हम घातों को जमा कर देते हैं ठीक है बच्चों अब ऐसे ही आप टी पे आ जाओ आप देख रहे हो टी के टी है यहां पर भी टी है आधार बराबर है लेकिन ये भाग में है बटे में है तो हम क्या कर देंगे घातों को कौन बताएगा हाँ हाँ बोलो बोलो क्या कर देंगे घटा देंगे तो क्या आया मेरे पास पांच की घात पांच टी की घात चार अब हम दस को कैसे लिखेंगे दो गुना पांच दो गुना पांच पांच में पांच की घात क्या है एक फिर दोबारा से हमारे पास क्या हो गया जो ये घात है पांच और ये वाली घात है सॉरी ये वाला जो आधार पाँच और ये वाला आधार पाँच दोनों बराबर है लेकिन बटे में है मैं क्या कर दूंगी घातों को घटा दूंगी तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा पांच की घात चार टी की घात चार बटे दो ये मेरा उत्तर है मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे अपना अपना जिस बच्चे ने आगे लिखना है पढ़ना है बड़े होके अच्छा बच्चा बनना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे कर रहे हैं ना क्वेश्चन मैं देख रही हूँ फटाफट करिए क्वेश्चन सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं सब बच्चे करेंगे चलिए अब हम एक और करते हैं इसी तरह का सरल करो एक और करेंगे सरल करो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है सरल करो का ये तीन की घात माइनस पांच गुना दस की घात माइनस पांच गुना एक सौ पच्चीस बटा पाँच की घात माइनस सात गुना छ की घात माइनस पांच सारे बच्चों ने लिख लिया क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे सारे बच्चे लिख लिया सारे बच्चों ने लिखा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बच्चे हैं अब क्या करेंगे सारे बच्चे पहला काम करो क्या करते हैं हम पहला काम क्या करते हैं जो हमारी ऋणात्मक घाते हैं उसे धनात्मक घातों में बदल लेते हैं कैसे बदलते हैं उसे उलट कर अगर ऊपर लिखा है तो नीचे ले आओ नीचे लिखा है तो ऊपर ले जाओ देखो जिसने नहीं किया वो मेरे साथ करेगा ये वाली देखो इधर देखो सारे बच्चे देखो बोर्ड पे पांच की घात माइनस सात और छ की घात माइनस पांच दोनों को हमने धनात्मक बनाना है प्लस की घात बनाना है तो हम इन दोनों को ही ऊपर ले जाएंगे और इधर देखो फटाफट और जो ऊपर वाली दोनों है तीन की घात माइनस पांच और दस की घात माइनस पांच इसको हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे और जो मेरा ये तो 125 जो बचा देख रहे हो सारे बच्चे ये जो बच गया इसको क्या करेंगे हम इसको ऐसे ही लिख देंगे किस किस को समझ आया किस किस को आया समझ में फटाफट बताइए मुझे बहुत ही अच्छा बच्चा है अब क्या करेंगे अब देखिए अब हम क्या करेंगे छः को कैसे लिख सकते हैं दो गुना तीन की पाँच एक सौ पच्चीस को कैसे लिख सकते हैं पाँच गुना पाँच गुना पाँच बटा तीन की पाँच और दस को कैसे लिख सकते हैं दो गुना पांच की पांच, ठीक है बच्चों अब हम क्या करेंगे पांच की सात, हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे कौन सा नियम लगाएंगे अगर हमारे आधार गुना में हो और उनकी घात एक ही हो तो हम उसे अलग अलग कर सकते हैं ना बच्चों? है ना हमने रूल किया था ये नियम किया था घातांक के नियम में तो करो इसे अलग अलग दो की पांच तीन की पांच और इसे क्या लिखेंगे हम ये जो तीन पांच है इसे क्या लिखेंगे हम पांच की तीन नीचे आ जाओ तीन की पांच गुना दो की पांच गुना पांच की पांच किस किस बच्चे को समझ में आ गया ये ये तो बहुत ही आसान बहुत ही सरल प्रश्न है आपको करना चाहिए अच्छे से पढ़ना चाहिए सारे बच्चे देखेंगे अब तीन की पांच से तीन की पांच काट दिया बराबर थे दो की पांच को दो की पांच से काट दिया बराबर थे अब क्या बचा पाँच की सात गुना पाँच की तीन बटे पाँच की पाँच अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारे आधार क्या है पाँच यहाँ पे भी क्या है पाँच घात क्या है यहाँ पे सात यहाँ पे घात क्या है तीन मैं क्या कर दूंगी फटाफट बताओ घातों को जमा क्योंकि आधार बराबर है और गुणा में है समझ आया बच्चों को अब देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला ये भी पांच है आधार और ये भी पांच है लेकिन बटा में है मतलब भाग में तब घातों को क्या कर देते हैं कौन बताएगा हाँ घटा तो ये मेरा उत्तर है आया बच्चों को समझ में आ रहा है ना बच्चों किसे किसे समझ में आ नहीं रहा जिसे जिसे समझ में नहीं आ रहा वो दोबारा से करेंगे घर जाके ताकि उन्हें समझ में आ जाए ठीक है बच्चों कौन कौन करेगा सारे बच्चे करेंगे घर जाके अब हम एक और करेंगे सरल करो तीसरा करेंगे सरल करो चलो लिखो पाँच बटे आठ की माइनस के साथ आठ बटे पाँच की माइनस के पाँच देखो बच्चों अब हमने यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है ठीक है क्या ध्यान देना है या तो हमारे आधार बराबर होने चाहिए या घात देखो आधार क्या है यहाँ पे पाँच बटे आठ या आठ बटे पाँच और घाते क्या है माइनस के साथ और माइनस के पांच हमने दोनों में से या तो घात को या तो आधार को दोनों में से ना हमने किसी एक चीज को बराबर कर लेना है ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है हमने या तो आधार को या तो घात को बराबर कर लेना है ठीक है ठीक है ना बराबर कैसे करेंगे कौन बताएगा देखो हम किसको बराबर कर सकते हैं देखो घात तो हमारी सात है ये पांच है सात और पांच को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते तो जो ये हमारा आधार है देखो पांच बटे आठ है ना अगर हम इसे उलट दे क्योंकि ये ऋणात्मक घात है ये धनात्मक भी बन जाएगी ये बात समझ में आई ये वाला स्टेप ये वाला काम समझ में किस किस बच्चे को आ गया वो बहुत ही अच्छा बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया वो दोबारा से देखेगा जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो दोबारा से देखेगा कि हमने हमने क्या करना था अपने आधार सेम बनाने थे आधार बराबर करने थे यहाँ पर पांच बटे आठ था यहाँ पे आठ बटे पांच था अगर मैं इस वाले आधार को उलट दूं मतलब मेरी अगर जो ऋणात्मक घात है उसे धनात्मक बना दूं तो मेरे जो ये आधार है यहाँ पर बराबर हो गए ना दिख रहा है सबको कि मेरे जो घाते हैं वो आधार है जो बराबर होगी तो आप क्या करेंगे अब मैं अपना सिंपल सा सरल सा नियम लगा दूंगी क्या है नियम अगर आधार बराबर हो और गुना में हो तो घाते क्या हो जाती हैं घटा हो जाती हैं आठ बटे पांच की दो इसका मतलब क्या है आठ भी दो बार और पांच भी दो बार आठ आठे कितना होता है चौसठ पांच पाँच कितना होता है पाजू पाजू पच्चीस ये मेरा उत्तर है आ गया बच्चों को समझ में आ गया सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सब बच्चे वैसे ही करेंगे अब हम आएंगे हमने लास्ट टाइम और क्या किया था मानक रूप में लिखो मानक रूप में लिखो और इसका मैंने आपको घर से भी काम करने को दो क्वेश्चन दिए थे किस किस बच्चे ने किए हैं किस किस बच्चे ने क्वेश्चन किए हैं बताओ ठीक है जिसने किए हैं वो बहुत ही अच्छा बच्चा है है ना जैसे हम करेंगे पहला इसका जीरो पॉइंट जीरो दशमलव जीरो जीरो सोलह को मानक रूप में बदलना है तो हमने क्या किया था बच्चों? सबसे पहला काम करो इसका क्या करना था हमने इसका सबसे पहला काम करो फटाफट कौन बच्चा करेगा फटाफट करेगा बच्चा हम्म करो क्या करेंगे दशमलव को हटाकर बटे में लिखेंगे बटे में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं कितनी संख्याएं हैं सारे बच्चे मेरे साथ काउंट करो सारे बच्चे मेरे साथ गिनो एक दो तीन चार तो क्या करेंगे यहाँ पर चार जीरो लगा देंगे अगर हमने फिर हमने क्या करना है पहले हमने देख लिया हमने दशमलव हटा दिया उसके बाद हमने एक दशमलव छः बनाना है हमें तो एक दशमलव छः मतलब सिर्फ एक जीरो चाहिए ये तीन जीरो हमारी क्या है बेकार इन तीन जीरो को हटाने के लिए मुझे तीन जीरो से गुना करना पड़ेगा और तीन जीरो से क्या करनी पड़ेगी भाग आ रहा है ना समझ में अब क्या कर दूंगी इन्हें काट दूंगी तीन जीरो से तीन जीरो ये हो गया मेरा एक दशमलव गुना एक बटे दस की तीन एक बटे दस की तीन कैसे हुआ ये दस की तीन जीरो हैं तीन जीरो हैं तो दस की तीन चार जीरो हैं तो दस की चार पाँच जीरो हैं तो दस की पाँच एक दशमलव गुना ये धनात्मक घात है अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो मेरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक ये मेरा उत्तर है ठीक है बच्चों समझ में आया सब बच्चों को ना आसान लगा किस किस बच्चे ने खजा किया था जिस बच्चे ने भी किया था वो बहुत ही अच्छा बच्चा है है ना? हमें हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें पढ़ना लिखना चाहिए अब हम करेंगे अपना आज एक प्रकार नया प्रकार में क्या करेंगे सामान्य रूप में व्यक्त करो सामान्य रूप में बदलो ठीक है बच्चों क्या करेंगे हम सामान्य रूप में बदलो चलो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन पहला देखो सारे बच्चे देखेंगे सामान्य रूप होता है सिंपल सा सरल भाषा में कहेंगे हम कि इसको पूरा दशमलव दशमलव सब हटा दो जो संख्या आएगी उसे बता दो बस आप क्या है देखो पहली बात तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगी दशमलव हटाऊंगी तो मेरे जो ये हैं दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं एक और दो दो संख्याएं हैं दशमलव के बाद तो यह मैं क्या लिख दूंगी दो संख्याएँ अब क्या करेंगे कर लिया सब बच्चों ने यहाँ तक करो फटाफट यहाँ तक करो सारे बच्चे करेंगे ठीक है कर लिया अब देखो अब मैं क्या लिख सकती हूँ दस की पाँच है तो इसको मतलब एक दो तीन चार पाँच पाँच जीरो दो जीरो से दो जीरो कट गई मेरी क्या बचा मेरे पास तीन सौ बावन गुना हजार तो क्या आ गया 352 तीन बावन के पीछे तीन जीरो मेरा उत्तर आ गया सामान्य रूप में बदल गया ये समझ में आ रहा है बच्चों को किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं सब बच्चे ब्लैक बोर्ड पे देखकर सब बच्चे देखेंगे इधर और काम करेंगे अपना सब करेंगे ना काम है ना सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं गुड hmm, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आ गया सबको दोबारा से देखो एक बारी हमने दशमलव हटाया दशमलव हटा के कैसे हम दशमलव हटाते हैं देखते हैं दशमलव के बाद ये बाद है ना ये बाद होता है इधर जाते हो ठीक है तो उसे कहते हैं बाद ठीक है ना तो बाद में कितनी हमारी संख्याएं हैं दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं ना हमारी दशमलव के बाद तो ये देखो दो संख्याएं हैं एक दो तो मैंने क्या लगा दी दो जीरो दस की पांच ऐसी उतार दिया दस की पांच का मतलब होता है पाँच जीरो है? एक, दो, तीन चार पांच उसके बाद क्या किया दो जीरो से दो जीरो हमने काट दी जो बचा उसे हमने आपस में गुना कर दिया आया ना सबको समझ में सबको आ गया चले आ आगे हम सब बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन सब बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से इधर ध्यान लगाओ 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 इधर देखो चलो अब हम इसी का दूसरा प्रश्न करेंगे देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे चार दशमलव पांच गुना दस की चार कैसे करेंगे बताओ इसे पहले दशमलव हटाएंगे कैसे हटाया मैंने दशमलव सारे बच्चे देखेंगे इधर सारे देखो इधर नो बात नहीं करनी किसी बच्चे ने इधर देखो कोई बच्चा बात नहीं करेगा कोई शरारती नहीं करेगा सारे अच्छे बच्चे हैं इधर देखो ये दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं कौन बताएगा बोलो सारे बच्चे एक एक संख्या ही दिख रही है ना तो एक जीरो लगा दी ठीक है और ये दस की चार का क्या मतलब होता है चार जीरो ठीक है दस की चार का क्या मतलब होता है कि मेरी चार जीरो हैं चार जीरो हैं तो एक जीरो से एक जीरो काट दी क्या बचा पैंतालीस लिख के ये तीन जीरो लिख दी ये मेरा उत्तर आ गया कितना ही आसान प्रश्न है हर कोई बच्चा ऐसे कर सकता है कोई भी बच्चा कर सकता है सारे कर सकते हैं ना सारे बच्चे करेंगे ऐसे घर जाके रोज जो मैं पढ़ाती हूँ आपको रोज करना है ठीक है ना तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अच्छे नंबर आएंगे आपके आप आगे बढ़ोगे सारे बच्चे अच्छे 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 मार्क्स लाना चाहते हैं ना अच्छे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं सारे बच्चे चलो अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न सामान्य रूप में व्यक्त करने का तीन गुना दस की घात माइनस चार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है सारे बच्चे ध्यान से अपने बोर्ड पर देखेंगे ठीक है अब देखो करो पहला हमने क्या करना है दशमलव में तो बदला ही हुआ है ये है ना बच्चों दशमलव में तो पहले से ही बदला हुआ है ये हमने क्या करना है तीन ऐसे ही लिख दो अब मेन बात जो सोचने वाली है वो सारे बच्चे बताएंगे मुझे ये जो हमारी घात है यहाँ पर दस की माइनस चार है क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पर गुना दस पाके चार जीरो कौन कौन बच्चा बताएगा मैं लिख सकती हूँ ऐसे नहीं मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्यों क्योंकि जो ये मेरी घात है ये ऋणात्मक है देखो यहाँ पर जब धनात्मक घात होती है जब इसके आगे हमारा घटा का निशान नहीं लगा होता तब हम सिंपल लिख सकते हैं इसे तब आसानी से इसे खोल सकते हैं दस की चार को चार जीरो पाके खोल सकते हैं लेकिन अगर ये मेरी ऋणात्मक घात है आ रहा है ना समझ में कि ये ऋणात्मक घात है तो मैं इसे खोल नहीं सकती आया ना बच्चों को समझ में मैं इसे नहीं खोल सकती मैं तभी खोल सकती हूँ इसे जब मेरी घात किसकी हो जाएगी किसकी हो जाएगी धनात्मक जमा की घात तो जमा की घात बनाने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा कौन बताएगा जमा की घात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा किस, -किस ने कर लिया वो बताएगा फटाफट बताओ हाँ हाँ बोलो 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 बताओ बच्चों हमें उलटना पड़ेगा ऊपर है तो नीचे नीचे या तो ऊपर इस प्रश्न में कहां पर था ऊपर था ना तो हम कहाँ ले आए उसे नीचे ठीक है बच्चों आ रहा है ना समझ में किस किस को समझ में आ रहा है बताओ मुझे बोलो बोलो हम्म सब बच्चे कर रहे हैं अगला स्टेप देखो बच्चों अगला काम अगला काम क्या करेंगे खोल दो अब खोल सकते हैं ना हम दस की चार को दस की घाट चार को अब खोल सकते सारे बच्चे खोल सकते हैं ना दस की घात चार को कैसे चार जीरो पानी है बस एक दो तो, तीन चार ठीक है बच्चों अब हमने क्या करना है कौन बताएगा मुझे हाँ हाँ ठीक है ठीक है अब हमने इसे दशमलव में व्यक्त करना है दशमलव में व्यक्त करने के लिए कौन बताएगा कैसे करना पड़ता है हमने कल क्लास में किया था कि दशमलव में दोबारा से कह जाते हैं आता है तुम्हें चलो अगर नहीं आता देखो इधर देखो निशारते नहीं करनी इधर देखो फटाफट देखो इधर देखो हमने गिननी है जीरो है है? एक दो तीन चार चार जीरो कि ऊपर संख्याएं भी चार होनी चाहिए समझ में आ रहा है अगर नीचे जीरो मेरी चार है तो ऊपर संख्याएं भी चार होनी चाहिए लेकिन मेरे पास क्या है संख्या तो एक ही है ठीक है ना संख्या क्या है एक ही है कल्ली तो हम क्या करेंगे इस संख्या तीन है इसके आगे जीरो लगाएंगे एक दो तीन अब चार बन गए और यहाँ लगा देंगे दशमलव देखो गिनो बन गई चार संख्याएं एक तो एक दो तीन चार हमने यहाँ नहीं लगाना कहीं ऐसे लगा दे कई बच्चे करते हैं कई बच्चे पता है क्या कर देते हैं तीन के बाद लगा देते हैं एक दो तीन चार फिर दशमलव यहाँ लगा देते हैं ये बात गलत है किसी बच्चे ने ऐसे नहीं करना हमने कहाँ लगानी है पहले तीन से पहले आया समझ में किस किस बच्चे को आता जा रहा है चलो जिस बच्चे को आ गया वो अब दूसरा देखेगा प्रश्न देखो देखो देखो, देखो बच्चों अब हम देखेंगे अगला प्रकार चौथा चौथा प्रकार चौथा भी देखो तीसरे की तरह ही है देखो सारे देखो इधर दो गुना दस की घात माइनस के छ कौन करेगा ये बताओ मुझे किस किस को आ गया करना सब बच्चों को आ गया आ गया सब बच्चों को करना देखो पहले हम क्या करेंगे जो हमारी या देख रहे हो ऐसे तो खोल नहीं सकते जो ये हमारी ऋणात्मक घात है इसे किसने बदलेंगे हम धनात्मक घात में ठीक है धनात्मक घात में कैसे बदलेंगे दो बटे दस की घात ठीक है सारे बच्चे लिखेंगे दो बटे दस की घात छे। देखो इधर ऊपर था तो नीचे ले आए अब हम क्या करेंगे अब खोल सकते हैं हम तभी खोल सकते हैं जब घात धनात्मक हो जमा में हो अब जमा में है तो खोलो इसे दस की छह जीरो है ना एक दो तीन चार पांच ठीक है ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है सब बच्चों को किस बच्चे को समझ में आ रहा है सबको आ रहा है अब हम दशमलव में व्यक्त करेंगे सारे बच्चे पहले अपनी अपनी कॉपियों पे करो करो फटा फटाफट फिर अपना उत्तर देखना यहाँ से किस किस का सही आया देखो देखो फटाफट करो ये तो बहुत ही आसान काम है गिनो नीचे कितनी जी हैं सारे बच्चे गिनेंगे कितनी जी हुए हैं चलो मेरे साथ ही गिनो कितनी जी हैं ए एक दो तीन चार पाँच और छ कितनी जीरो हैं छ जीरो में तो क्या करेंगे आप संख्याएं होनी चाहिए छ संख्याओं से पहले होना चाहिए हमारा दशमलव हम है ना बच्चों तो हम क्या करेंगे एक संख्या दो होगी बाकी छह संख्याओं के लिए हम क्या लगा देंगे पांच के लिए जीरो और यहाँ लगा देंगे दशमलव फटाफट गिनो कितनी होगी एक दो तीन चार पांच छ है ना समझ में आया बच्चों को आ रहा है ना समझ में है ना हाँ बहुत ही अच्छे बच्चे हैं चलो अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न करेंगे ठीक है बच्चों देखो पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न है पांच दशमलव आठ गुना दस की घात बारह ठीक है ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम कौन बताएगा मुझे कि पहले क्या करते हैं सब बच्चों को पता है क्या करते हैं देखो फटाफट देखो देखो तुम्हारे आसपास वाले बच्चे कितने फटाफट कर रहे हैं काम तुम भी करो ना शरारते मत करो आपस में नहीं बोलना आपस में नहीं बोलना बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो बोर्ड पे देखो इधर चलो सबने कर लिया पहला काम क्या किया तोड़ लिया दशमलव को सबने सबने तोड़ लिया बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ऐसा लिख लिया सबने अट्ठावन बटे दस गुना ये क्या है दस की घात बारह दस की घात बारह मतलब बारह जीरो माई गॉड बारह जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह अब क्या करेंगे इतना तो मेरे बच्चों ने कर ही लिया होगा मुझे पता सब बच्चों ने सही किया होगा सब बच्चों का सही है ना ये तो बहुत ही आसान है अब क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो काट काट देंगे कार दिस अपने सारे काटो अपनी कॉपी पे जीरो सब बच्चे काट रहे हैं हाँ जी देखो अब अब लिखेंगे अट्ठावन और कितनी जीरो है बची कौन बताएगा मुझे बच्चा काउंट करो गिनो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह ठीक है बच्चों, लिखो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये मेरा उत्तर आ गया सबका सही है सब बच्चों का सही है कि नहीं सब बच्चों का सही है ठीक है बच्चों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं चलो आगे करो एक दशमलव जीरो 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 एक गुना दस की घात आठ सारे बच्चे लिखेंगे अपना प्रश्न एक दशमलव जीरो 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 एक गुना दस की घात आठ कर रहे हैं ना सारे बच्चे कर रहे हैं अब सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कौन बताएगा मुझे सबसे पहला काम क्या करेंगे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं सब बच्चे मिलकर बताएंगे सबसे पहला काम हम अपना दशमलव हटा लेंगे ठीक है ना दशमलव कैसे हटाएंगे ये गिनेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं कौन बताएगा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं गिनो कितनी है सब बच्चे गिनो हम गिनेंगे इधर मेरे साथ गिनो चलो एक दो तीन चार ठीक है बच्चों तो क्या करूंगी सारी संख्याएं लिख के नीचे चार जीरो लगा दूंगी किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे सारे बच्चे काम करेंगे ठीक है सब बच्चे इधर देखेंगे गुना ये क्या है दस की घात आठ इसका मतलब क्या है आठ बार लिखो जीरो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है बच्चों आ रहा है ना समझ में सबको ठीक है बच्चों अब हम क्या करेंगे किस किसने कर लिया कॉपी पर सबने सब बच्चे लिखो फटाफट सारे बच्चे लिखेंगे फटाफट सब बच्चे आगे निकलेंगे फटाफट करेंगे और घर जाके भी ये क्वेश्चन करने हैं सबने सब बच्चे घर जाके ये प्रश्न सब अपनी कॉपी पर दोबारा करेंगे जो चाहता है बच्चा कि उसे ये क्वेश्चन करने आ जाए, ये प्रश्न वो फटाफट निकाले जब मैं कक्षा में करने को ठीक है ना तब आप फटाफट करके दिखाओ मुझे तब हम उस ऐसा करने के लिए आपको घर जाके इसे दोबारा करना पड़ेगा अगला अगला काम किसने कर लिया सब बच्चों ने कर लिया चार जीरो से चार जीरो दी काट दी चार जीरो से चार जीरो है सब बच्चों ने अब क्या करेंगे हमने संख्या लिखी जो दे हुई है ये वाली संख्या उतार दी ऐसे की ऐसे ही ठीक है और जो ये वाली जीरो है कितनी जीरो बची है सारे बच्चे मेरे साथ गिनेंगे एक दो तीन चार क्या कर देंगे यहाँ पे चार जीरो लिख देंगे एक दो तीन चार ये मेरा क्या आ गया उत्तर समझ में आया बच्चों को बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये बहुत ही सब बच्चे इसे आसानी से कर सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ नहीं करना बस आपने नियम समझने हैं आ गया ना बच्चों को समझ में कितना आसान है देखो करना ये है ना आसान ठीक है चलो चलो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे सातवा चलो देखो अब आप ही बताओगे तीन दशमलव छो दो किससे गुना करेंगे दस की घात छे। ठीक है ना पहले क्या करेंगे पहले क्या करेंगे सारे बच्चे करो अपनी कॉपी पे पहला काम दशमलव को हटाओ हटाओ फटाफट सारे बच्चे पहले क्या करेंगे दशमलव को हटाएंगे सारे हटाओ चलो मेरे साथ मिल के हटाते हैं हम कैसे हटाते हैं हमने गिना पड़ता है कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद कितनी है कितनी संख्याएं हैं एक दो तीन चार पांच समझ में आया कितनी है दोबारा गिनो एक दो तीन चार पांच पांच संख्याएं हैं मतलब हम नीचे क्या लिख देंगे पांच जीरो लगा देंगे एक दो तीन चार पांच गुना दस की घात कितनी है छ यहाँ पे छः जीरो लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ आ रहे हैं ना समझ में सबको सबको समझ में आ रहा है सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फटाफट उतारेंगे इसे और अगला काम क्या करेंगे सारे बच्चे बताओ बोलना नहीं है सबने इधर देखो बोर्ड पर कोई इशारत नहीं करनी अच्छे बच्चे हैं सारे अब क्या करेंगे कितनी जीरो हैं एक दो कैसे गिनेंगे जीरो कितनी हैं एक दो तीन चार पाँच पांच, पांच जीरो हैं तो इन पांच जीरो को ये वाली पांच जीरो कट कर दो एक दो तीन चार पाँच ठीक है ना क्या बच गया ये संख्या बच गई और एक जीरो को इसके साथ लिख दो सब बच्चों को समझ में आया ना कैसे करना है ये मेरा उत्तर है